विन्द क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभजनन का प्रणाम करी थे। कोरोना नामक वैश्विक महामारी में या पूरा विश्व जो है इसे परेशान है, हैरान है और स्थिति यह है कि एक न कौन अभी तक इलाज आवा है न कौन दवाई आई है, जौने के चलते कहो न कहो या सरकारन के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ओहू के इंतजाम हो रहा है और भारत में यह तीसरे चरण के लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है जो 17 मई तक जारी रही। जौने मुद्दा में हम बात करे खीती रहे हैं कि ए माँ सबसे प्रभावित यदि बात की जाए तो किसान भाई, किसान ऐसा तबका है कि जो अपन एक निश्चित मियाद में फसल पैदा करते हैं तो का मंडी ले जाते हैं, सरकार समर्थन मूल्य में खरीद लेती है और किसानन के अगली फसल के बोनी होती फिर आगे के काम चालू हो जाए, किंतु यह लॉकडाउन जो है वह किसानिन के समय भा फसल कटाई में काफ़ी दिक्कत आई और स्थिति यह है कि अभी हाल ही में सीधी में कल एक घटना है, दुखद घटना है कि जो किसान के फसल रही ट्रैक्टर में लोड रही वो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गए, तार के संपर्क में आवा और वह फसल खाक हो गए। यह पूरे मुद्दा में हमारे साथ बात करें खीती राज मौजूद है भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान जी, उनसे हम जाने के प्रयास कर पहले बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। नमस्कार सुरेश जी, यह जो स्थिति है देश के का लागत है, किसान मजबूत है या कमजोर है? आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जन को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा आपने अभी पूछा है कि इस कोरोना जैसी महाबीमारी से मजबूती न तो किसान मजबूत हुआ है न कोई और, दिक्कतें बहुत आई हैं। निरंतर 40 दिन से सब लॉकडाउन की स्थिति पर अपने घर में बने हुए थे। किसान की फसल कटी, गहर गई और घर गई। अब घर के बाद वो जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और उस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और देश की भी सरकार ने योजना बनाई है कि किसान को कमज़ोर होने नहीं देंगे, किसान की फसल को खरीदेंगे, चाहे वो कोई भी जींस हो, सारा जींस हम अच्छे रेट पे खरीदेंगे। अगर सरकारी रेट से ज़्यादा कोई व्यापारी खरीदना चाहता है तो उसमें हमारी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर किसान का एक एक दाना वो बेचना चाहता है तो वो सरकारी मंडी में बेचे। और हमारी सरकार ने इतनी व्यवस्था बनाई है कि किसानों का जो अनाज है वो बिक जाए, बिकने के बाद उसकी लिस्ट जैसे आएगी तो लगभग 3 या 4 दिन के अंदर उनके खाते में पूरा पैसा चला जाएगा। साथ में जैसे इस कोरोना जैसी महाबीमारी में लॉकडाउन से पूरा देश जूझ रहा है, एक पहली बार ये देखने को मिला है कि ऐसी महाबीमारी में एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, सभी शासन प्रशासन एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं और उस तारतम्य में हमारा किसान, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे वो अनाज की फसल हो, वाकई में बहुत सारी दिक्कतें उनको उस 40 दिनों में आई, लेकिन समय समय पर हम सीधी ज़िले की बात अगर करें तो हमारे माननीय कलेक्टर साहब या सीधी ज़िले का जिला प्रशासन समय समय पर हम उनको बताते गए, उनके संज्ञान में जो बात आती गई तो फसलें भी कुछ तो ख़राब हुई, जैसे शिमला मिर्च हो गई, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, लेकिन सरकार जो स्थानीय शासन है शासन के पहल से बहुत ख़राब नहीं हुई, बिक्री होती रही समय समय पर, ये भी हमने देखा। निश्चित तौर पर जैसा अपना कहा लागे कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है दुरुस्त करे के प्रयास कलेक्टर लगातार प्रयास करते है, जो होने के चलते कुछ आंशिक रूप से नुकसान हुआ और कुछ फायदा मिला, तो उनके बाद यदि बात की जाए कि अधियारा जो अधियारा होते गांवन में उनके लगे भूलियाँ नहीं रहा है और उनकर जीवन यापन के का अपना के प्रदेश सरकार कुछ जुगाड़ करी कि भाई उनकर तो वह सिर्फ खाद्यान्न में ना और वह अधिया करीस, वह जब मंडी गा ताबे फिलहाल उनके लगे तो मतलब भोजन खेती सिर्फ दाल और चावल जो बेसिक चीज़ है वह मौजूद है, बाकी अन्य चीज़न खेती उनका दैनिक जीवन के उपयोगी चीज़न खेती का उनका व्यवस्था किन गए।
जैसा आपने कनिष्क जी आपने बहुत बड़ी बात करी है, जिससे पूरा जिला हमारा इस बात से ग्रसित है। और उस तारतम्य में अगर हम कहें तो हमने कई गांवों का भ्रमण भी किया है। पूर्व में जब हमारी सरकार थी और उसके सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उस समय एक योजना उन्होंने बनाई थी कि जिस भी खेत में बटाई में या अधिया में जो भी किसान कार्य करता है उसका पूर्णता अधिकार होगा उस फसल पर, गहाई कटाई से बुवाई से लेके कटाई तक, कटाई से लेके मिजाई तक। और जो टाइम होता है कि जो उनको खाने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो सरकार तो आपने देखा है अभी कि इस लॉकडाउन के समय भी नहीं था। हमारा पूछने के तात्पर्य यह है कि क्या कुछ ऐसा योजना आई कि उनका अध्ययन का कुछ पैसा मिले या रुपया मिले या अपना के भाजपा के द्वारा उनका कुछ मदद की जाए, ऐसा कुछ का भा है या दौरान लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान पहले तो पूरे सीधी जिले में आपको ध्यान भी होगा कि ऐसा कोई जहाँ पर किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, हर घर में प्रशासन के माध्यम से और भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के माध्यम से उन तक हर चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और निश्चित रूप से उनके खाने पीने या किसी भी सामग्री में कमी नहीं आई है। इसका बाखूबी हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब ने कई टीम मतलब अपना यह बात से संतुष्ट हैं कि सारी व्यवस्था उनका दुरुस्त की गई, तो मतलब यह अपना के दावा है कि वो हर व्यक्ति के लगे अनाज राशन और अन्य व्यवस्था जो है उनका दुरुस्त की गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि जो बाहर से जो सरकार अपना की यह योजना शुरू करी कि जो बाहर लोग फंसे हैं उनका सहारन में ले आवा जाए, किंतु हालात अभी यह है कि सतना माँ बहने जानकारी आई कि एक कोरोना पॉजिटिव अहमदाबाद से सतना पहुंच गया और वह अपने गांव पहुंच गया, लोगों से मिल गया, मतलब तीन जने का आइसोलेट किन गया है। क्या लागत है यह सारी चीज़ करे के आवश्यकता रही कि नहीं रही? निश्चित रूप से आप जो ये सवाल हमसे किया है तो एक गंभीर सवाल है, लेकिन लगातार जिला संभाग प्रदेश में ये बातें चलती गई कि हमारा परिजन बाहर है, प्रदेश से बाहर है, प्रदेश से बाहर है, उसको खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है। जबकि हमारी प्रदेश सरकार ने और कई नेताओं ने, जैसे कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी ने कई प्रदेशों में, उन्होंने दिल्ली में रहते हुए उनके स्थान तक राशन की सारी व्यवस्था पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसे आप ये अगर गिनती लें तो लगभग 500 लोगों को उन्होंने फिगर में दूसरे दूसरे प्रदेशों में पहुंचवाया है। इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आप सबके माध्यम से जब उनको ये शिकायतें पत्र गया या सुझाव गया, उस पर उन्होंने ये फैसला लिया कि जो जिस प्रदेश के हैं जहां पर रेड जोन नहीं है, रेड एरिया नहीं लागू है, उस प्रदेश से हम अपने प्रदेश में अपने मजदूरों को बुलाएंगे और उनका विस्तृत रूप से पहले मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। जैसे हमारा सीधी, तो सीधी का जो प्रथम चरण में हमारा सीधी में जो जांच हुई है उससे संतुष्ट है अपना? सीधी जिले में जो जांच हुई है तो उससे हम ही नहीं, आने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट है। नहीं तो अपना क्या लागत है, जो सीधी की आबादी है लगभग 7 लाख, 7 लाख में 162 जाँच हुई है, मतलब 3 थे रिजेक्ट हुई है, अपना समझ ली कि 162 सैंपल भेजे गए लेकर जांच रिपोर्ट आई, 7 लाख में 162 का लागत है अपना? अब ये तो आंकड़ा आपको मालूम होगा, इस आंकड़ा के बारे में मुझे नहीं, आंकड़ा मान लिया है हम अपना का सही बताई लागे, और यदि मतलब अभी हम दस्तावेज नहीं दिखा सकती अपना का, मगर यदि यह में स्थिति है तो का है। लेकिन जैसे कल जैसे आपने सवाल किया है तो ये आपके पास फिगर हो सकता है, लेकिन हम लोग इस जांच से और आने से बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि कल जिला पंचायत में जो मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने कई मुद्दे पर चर्चा भी किया और जिला प्रशासन ने बड़े गंभीरता से लेते हुए
उसको चुनौती के पूर्ण में लिया है। नहीं तो जांच काहे नहीं की जा रही है, 7 लाख के आबादी में 165 जांच या 162 जांच की गई तो का ये सही है? अब धीरे धीरे जो जैसे किट उपलब्ध हो रही है उस तरीके से हमें लगता है कि कोई भी प्रशासन कोर्ट कसर छोड़ नहीं रहा है और निश्चित रूप से जांच सफलतापूर्वक की जा रही है। अगर कहीं संदेह होता है तो उसकी जांच आगे भी बढ़ाई जाती है, चाहे जबलपुर हो, चाहे रीवा हो या भोपाल हो, जहां से भी संतुष्टि प्राप्त होगी तब तक जांच कराई ही जाएगी। निश्चित तौर पर अपना रहे हमारे साथ किसान मोर्चा के, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष सुरेश सिंह जी, और सुरेश सिंह जी से सब लगभग सब सवाल पूछन हम और अपना बेहतर तरीके से होकर प्रशासनिक और राज्य स्तर के प्रबंधन के बात करी ना, वो राज्य स्तर और प्रशासन मिलके बेहतर व्यवस्था बनाबे के नितंत जो है वो वहाँ प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है। और अब अंत में हम अपना से अपील चाहब कि जनता से का अपील करब अपना। आपके इस बघेली चैनल के माध्यम से मैं अपने सीधी जिले के कोने कोने में जो अन्नदाता हैं जिनके माध्यम से हम सब का पेट भरता है, उनके कमाई से, उनके अनाज से कोने कोने देश प्रदेश तक वो अनाज जाता है, मैं उनसे सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अन्न कोष के नाम से जो जितना जिसका सामर्थ्य हो वो अनाज दान करें और उस दान किए हुए अनाज से जो बेसहारा लोग हैं उन तक पहुंचेगा। और वैसे भी माना जाता है कि सबसे बड़ा अन्नदान है, और इस आपके बघेली चैनल को मैं धन्यवाद कहते हुए और नमस्कार करता हूं सभी किसान और जिलेवासियों से। या अपना जैसा अपील सुनबे बहन और अपील में अपना अमल करी और लोगन से अपना बतौबो करी, कहे कि अपना के छोट का मदद एक बड़े तबका का जो भूख से मर रहा है, भूख से जूझ रहा है, ओके तक पहुंची और कहाँ ना कहाँ वह अपना का जो है या कहा जाए कि पूर्ण काम आए, पुण्य में अपना सहयोग करब तो अपना का आशीर्वादे दी, ऐसे ऐसा पूर्ण कार्य में जरूर सहभागी बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।